एक तो यह है कि जो कानून वापसी लिया आज भारत सरकार ने, उस पर संयुक्त मोर्चे ने भी विचार करा कि भाई कानून उन्होंने वापसी लिया और भारत सरकार एक बातचीत की लाइन पे आई है। तो जो हमारे प्रस्तावित कार्यक्रम थे 29 तारीख का, वो अभी वापसी ले लिया है और 4 तारीख को हमारी फेर मीटिंग होगी संयुक्त मोर्चे की, तो उसमें आगे प्रोग्राम हम तय करेंगे कि आगे प्रोग्राम कैसे करना है। क्योंकि 4 तारीख तक जो 3 कानून है ये भी हाउस में आ जाएंगे और उम्मीद है कि इस पे ये वहां से रिफिल हो जाएगा। अभी 750 जो किसान हमारे शहीद हुए हैं उस पर भारत सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, जो हमारे ऊपर मुकदमे हैं उस पर कोई जवाब नहीं दिया, जो लखीमपुरी खीरी की घटना है उस पर कोई जवाब अभी नहीं दिया, और MSP जो इन्हीं कानूनों के साथ में थी, जो बार बार ये कहते जी MSP पे मत बोलो, क्योंकि MSP ही सबसे ज्यादा लूट MSP पे होती है किसान की, तो उससे भारत सरकार बचने चाहती है। वो हमारा बड़ा इशू प्रायोरिटी पे है कि MSP को लीगल कानूनी गारंटी भारत सरकार दे, और उस पर पूरे देश की निगाहें उस पर है। सब प्रेस के माध्यम से हम कहना चाहते हैं भारत सरकार को कि MSP पे लीगल गारंटी हमको कानून बना के दे। इसके बाद में एक कमेटी बनेगी जो दूसरे मामले होंगे, वो चाहे सीड बिल का हो, पेस्टिसाइड बिल का हो, वो दूध डेयरी वाला प्लान हो, या KCC वाला मामला हो, जो भी भारत सरकार के साथ में हो, बातचीत किसान की होनी है, उस पर एक कमेटी गठन कर दे जो दूसरे मामलों को, इनसे अलग मामलों को देखेगी। ये अभी हमारी डिमांड भारत सरकार से है, उस पर जितना जल्दी वे फैसला ले लें उतना ठीक है, नहीं तो बादस्तूर हमारे आंदोलन उसी सिस्टम से जारी है जैसे हमारे आंदोलन पहले चले हुए थे, उसमें कोई भी हमारा चेंजिंग नहीं है। 29 तारीख वाला सिर्फ हमने चेंज करा है और 4 तारीख को संयुक्त मोर्चे की मीटिंग फिर सिंगू बॉर्डर पर होगी, आगे के प्रोग्राम हम उसमें बनाएंगे। यहाँ के लोग उसे भी हैं कि जैसे आप सहयोग पहले से करते हुए आ रहे, वही लंगर भंडारों का गुरुद्वारों से, आम लोगों से, आम समाज से, उसी सिस्टम से उसको चलाते रहे। जैसे जत्थेबंदी पहले जा रही थी उसी सिस्टम से रूटीन वाइज जत्थेबंदी जाती रहे। ज्यादा भीड़ एक बार इकट्ठी वहां नहीं करनी है, क्योंकि भीड़ से यह होता है कि एक दिन इकट्ठी करती है और भीड़ वापसी आती है तो ये लगता है कि भीड़ वापसी चली गई। रूटीन के हिसाब से जैसे आपके चल रहे वो अपने प्रोग्राम, 1-2 महीने के प्रोग्राम, 1 महीने का प्रोग्राम उसी सिस्टम से आप लगा ले पूरे दिसंबर तक के, फिर 1-1 महीने के जैसे रूटीन के लगते हैं लग जाएंगे। और हमारे साथी यहाँ पे हैं, अब अरिंदर जी हैं, अरिंदर लखवाल जी जो अपने प्रेसिडेंट हैं, यहाँ के पंजाब के भी हैं, अपने और लोग हैं और संयुक्त मोर्चे के लोग यहाँ पे हैं, वे अपनी बात बताएंगे। जो आपका क्वेश्चन होगा जिससे भी होगा वो उस क्वेश्चन का जवाब दे देगा। हाँ कैसा, जो आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मोदी जी से मिले हैं, क्यों? क्योंकि वो पहले ही 40 साल से चलेगा। वो ये बताए ना भारत सरकार के, आप किसानों को लाभ देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। आप जो 3 कानून बनाओगे उसमें कहते हैं कि हम किसानों को लाभ देना चाहते हैं, किसान के फायदे कानून है। किसान ने तो एक ही चीज कहा कि जो भारत सरकार ने MSP कहा उसको गारंटी कानून बना, हमें 50 वाला फार्मूला दे दो वो नहीं दे रहे, हमको मार्केट रेट दे दो वो नहीं दे रहे। तो इसका मतलब ये है कि अनाज को लूटने का प्रोग्राम भारत सरकार की सहमति से बना जा रहा है। MSP तो ये भी देंगे, ये भारत सरकार MSP देगी, लेकिन वो हम इनके जबान से कहना चाहते हैं कि हम नहीं देना चाहते। मनोहर लाल खट्टर बोल रहे हैं नहीं देंगे, वो भी मोदी जी से मिलके आए कल और आज उन्होंने बयान दिया। इनका जो गैंग है, इनका गैंग का पता तो चला गया, इस गैंग में कौन कौन शामिल है, ये गैंग है, इनका गैंग का पता तो अभी चला। इसका मतलब भारत सरकार और जो इस तरह की स्टेट गवर्नमेंट है वे इस गैंग में शामिल है। आज से 40 से 50 साल पहले बड़े व्यापारियों का कब्जा अनाज पर होता था और वो खेत पे ही अनाज पे जाकर कब्जा करते थे। आज भी ये पॉलिसी जाना चाहते हैं कि अनाज पे खेत पे ही, किसान के खेत पे ही
बड़े उद्योगपतियों का कब्जा हो, इसलिए गोदाम बनाए गए हैं ये। पर सर, सर आपको गैंग गैंग जोन से एमएसपी का विरोध करेगा वो गैंग है, जो भी एमएसपी का विरोध करेगा वो गैंग में शामिल है। जब हमको गैंग बता सकते हैं तो ये भी गैंग है। कैसा आपको लग रहा है कि यूपी की जो विधानसभा चुनाव आने वाली है, चुनाव वाले, उसको लेकर ये वाला फैसला लिया गया है कि कहीं ना कहीं हमारे हाथ से कुर्सी ना निकल जाए? चलो वो उन्होंने जितना काम कर दिया उसको कर दे लो, वो कैसे कर दिया, किस उम्र तक कर दिया? नहीं वही डर था, डर वही था। क्या पता क्या डर था, किसी को डर, भागते के पीछे नहीं भागते हम, जो भाग गया छोड़कर मैदान उसके पीछे नहीं भागते। क्या भी कहां लड़ाई जीती, क्या एक कोरोना और तीन काले कानून एक बीमारी थी, उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी गई, इसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी गई, या डेढ़ साल में बीमारी है, डेढ़ साल में खत्म होगी, या कोई पुरानी नहीं थी, कोरोना के साथ आई, कोरोना के साथ में सबने जंग लड़ी, इस बीमारी के साथ में भी जंग लड़ी। सवाल ये है साहब कि कब तक आपको लगता है कि सरकार अब इससे आगे जो किसानों को जो आपका जो प्रदर्शन है दोनों उसको या सर खाली करवाने तक कब तक सरकार और करवा दो खाली सड़क, हम क्या मैंने कर रहे, करवाओ खाली सड़क, उसकी आपने उनको क्या डेडलाइन दी? हमने कोई डेडलाइन नहीं देते, हमने डेडलाइन देनी छोड़ दी। कोई बातचीत का कोई प्रस्ताव आया उधर से आया आपकी ओर से? भाई हमने चिट्ठी भेज रखी हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन वे बात नहीं करना चाहते, वे चाहते हैं कि किसानों को बदनाम करके किसानों से कोई बातचीत ना करें और इनको ऐसे ही घर भेज दो। सर सीधे लफ्जों में कहे तो क्या अगर 29 को बिल माफ हो जाते हैं तो धरना जारी रहेगा? जो भाषा है, कौन से स्कूल में एक ही ट्रेनिंग ले रखी सबने? नहीं नहीं, जो वो सरकार कह रही है बात सुन लो फिर जी। एमएसपी एक बीमारी या एक बीमारी थे तीन काले कानून, वो बीमारी खत्म होगी। धरना जो है, धरना किसान के मुद्दों के लिए है। 10 दिन चैनल वालों पे प्रोग्राम चलेगा, उसके लिए पूरा देश का किसान तैयार रहना। एक ही क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई कानून खत्म हो गए, किसान घर वापसी नहीं जा रहा, कानून खत्म हो गए वापसी नहीं जा रहा, इसका जवाब हमारा मौन व्रत रहेगा। अगर ये क्वेश्चन करेंगे तो हम मौन व्रत करेंगे और कोई इलाज नहीं। एक और सवाल है इससे जुड़ा, कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं जी कि इसमें जो है खर्च बहुत ज्यादा हो जाएगा देश का। कोई खेती कर रहा है क्या? जो इकोनॉमिस्ट सातवीं मंजिल पर बैठ के देश के किसान के भाग्य का फैसला करता हो वो कह रहे खर्च होगा, बहुत होगा। कहाँ है वे इकोनॉमिस्ट वाले, उन्हें बुलवाओ, उनसे बात करेंगे हम। 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं तो बीजेपी के लिए क्या रणनीति रहेगी? पहले पंजाब में बायकॉट करने का ऐलान किया गया था, जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी उस दिन बता देंगे हम क्या रहेगी। जो आशीष जो लखीमपुर खीरी कांड में है उनको आपने कहा कि मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, लेकिन वो अभी भी पीएम उस पर कोई बात नहीं कर रहे। हाँ बात नहीं कर रहे, तो उसके लिए तो ये हर जगह जो देश में चर्चा होती है, यहाँ पे भी हम आए तो उसका नाम आया कि उसको बर्खास्त करो, तो नहीं वे करेंगे। जब तक वो नहीं होगा और उसको न्याय नहीं मिलेगा लखीमपुर को, तो हमेशा उसका नाम लिया जाता रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से एमएसपी को छोड़ के, एक एमएसपी बहुत बड़ा मुद्दा है वो मान लिया, इसके अलावा कुछ और संयुक्त किसान मोर्चे ने कोई प्लान बनाया है किसानी के लिए कि जिससे कि किसान जो है कुछ हाल हो सके? जैसे अमृतसर की अगर बात करें, बॉर्डर की, बॉर्डर के यहाँ पे खुल जाता है तो यहाँ से टमाटर सब्जी और जो चीजें हैं बहुत ज्यादा पाकिस्तान में जा सकती है, उससे आगे भी जा सकती है, लेकिन यहाँ पे बीजेपी उसको खोलने को तैयार नहीं है। सुरक्षा तो नमक भी बंद कर दो भाई, नमक क्यों आ रहा है? सेंधा नमक सारा वो पाकिस्तान का खा रहे, उसको भी बंद करते, वो भी तो आ ही रहा है ना। मतलब हमारे किसान का टमाटर नहीं जा सकता, यहाँ से जो सब्जी वो जा सकती है वो बंद है, लेकिन वहां से सामान आ सकता है। इसका मतलब क्या होगा कि वहां को फायदा देना चाह रहे और अपने किसान को नुकसान देना चाह रहे? यही तो हम कह रहे हैं कि अपने देश के किसानों को बीजेपी मारना चाहती है, इनकी जमीनों को छीनना चाहती है। वो एक बड़ा प्लान है कि ये किसान जमीन से तंग आकर अपनी जमीन बेच दे, ठेके पे दे दे और बड़ी कंपनी यहाँ पे खेती करे, यही तो प्लान है। पाकिस्तान की जनता को फायदा होगा, मोदी सरकार की ये प्लान है, लेकिन हिंदुस्तान का किसान का फल फ्रूट वो वहां ना जा सके, तो इसलिए रोक है। नरेंद्र तोमर जी ने कहा है जो पराली का मुद्दा जिसपे अपराध माना जाए, जिससे अपराध मुक्त किया गया, उन्होंने बयान दिया। अरे दे दिया होगा, जब हमने तो ये कहा था ना उनको
कि आप बगैर पराली के चावल कैसे पैदा होता है वो टेक्नोलॉजी बता दो हमको, तो उसके उस पर उन्होंने दे दिया अभियान। एक बॉर्डर के पार 21,600 एकड़ जमीन है, 4 साल से उनका मुआवजे पेंडिंग है, वो पंजाब के जो बॉर्डर एरिया के किसान काफी दिल्ली भी गए थे, इस विषय में कोई केंद्र से बात नहीं क्योंकि काफी ज्यादा मोड बन गए हैं। उसमें ये था कि जब संयुक्त मोड जब ये आंदोलन शुरू हुआ उससे पहले इन किसानों की बातचीत होनी थी होम मिनिस्टर से, बीच में ये आंदोलन छिड़ गया और उस संबंध में बातचीत नहीं हो पाई। ये जैसे ही ये इशू आएगा या भारत सरकार बातचीत करेगी तो ये इशू हमारी प्रायोरिटी पे है, और पहले भी ये किसान आए थे जो जम्मू कश्मीर के आसपास के किसान थे, वे किसान हमारे पास में आए थे और इसी तरह की प्रॉब्लम पूरे बॉर्डर क्षेत्र में होगी। सर प्रधानमंत्री का जब भाषण हुआ था तो उन्होंने ये कहा था कि कुछ अलगाववादी ताकतें जो हैं इस आंदोलन के अंदर हैं, क्या लगता है कि अलगाववादी ताकतों को लेकर इस तरह का डिसीजन लिया गया? नहीं कहाँ है वे ताकतें, वो प्रधानमंत्री जी ने बोला जी आर प्रधानमंत्री भाई पकड़ा उन्होंने कहाँ है। सर किसान जो शहीद हुए हैं 700 से ज्यादा, किसान मोर्चा की तरफ से सरकार को क्या मतलब जो है उनकी तरफ से जो है उनके लिए क्या मांग की? उनको लिए मांग करी कि उनको कंपनसेशन दे, वो जब बातचीत होगी जब भारत सरकार और संयुक्त मोर्चा आपस में बैठेगा, भारत सरकार तो बात ही करने को तैयार नहीं है। तो आप यादगार बनाने की मांग भी की जाएगी, आप प्रेस के जरिए तो अपनी बात रख सकते हो ना, कह रहे हैं ना कि भारत सरकार बातचीत करे, एक उसका वो तय करे, एक रुपए का मॉडल एक तैयार, यादगार बनाने की मांग भी की जाएगी। यादगार बनाने की बात करी, जमीन हम चाहते हैं कि भारत सरकार जमीन दे और उनका एक स्मारक वहाँ पे बनाए। साहब जो ये लड़ाई संयुक्त मोर्चे ने आपको देखा बॉर्डर सिंह बॉर्डर सभी ने मिलकर लड़ी, तो इन फ्यूचर लंबी इसके बाद ये संयुक्त मोर्चा इसी तरह ही काम करेगा, इसी तरह पूरे देश के किसान जो एकजुट, पहले तो कहते थे कि भारत पंजाब का और हरियाणा का कुछ यूपी के हैं, अब पूरे देश का जब बन गया तो इन फ्यूचर जब भी कोई लोग के मसले आएंगे लोगों के तो ऐसे ही संयुक्त मोर्चा जहाँ भाई हम संयुक्त मोर्चे को सारे को इकट्ठा देखना चाहते हैं, कोई इकट्ठा रहे और उम्मीद ये है कि संयुक्त मोर्चा इकट्ठा रहेगा, एक आधा कोई बंदर की लड़क कूद का भाग गया तो उसका क्या करेंगे भाई, एक आधा जा सके। संयुक्त किसान मोर्चे का कोई प्लान है राजनीतिक चुडूनी साहब ने कोई राजनीति का प्लान नहीं है? चुडूनी साहब बोल रहे थे ना, अरे हमने बता तो दिया एक आधा फुदक चसे भाई, चुडूनी साहब का प्लान है ना काफी है, देश के लोगों से है कि संयुक्त मोर्चे पे विश्वास रखना, संयुक्त मोर्चा इकट्ठा है, ये देश की लड़ाई लड़ेगा। सरकार ने बीच में डाल दिया है ऐसा समर्थन करने की सोची है? अरे क्यों इस बीमारी में पड़े समर्थन की, उसके देश में अगर सरकारें जो भी सरकारें ठीक होगी दे लेगी, जनता बहुत होशियार है, संयुक्त मोर्चे से होशियार है जनता। सरकार ने बीच में गठित की जा रही है नरेंद्र कमेटी, नहीं कमेटी 11 साल पहले बनी थी 2011 में, MSP पे कमेटी बन गई थी और जब उस कमेटी के वकील थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब ये मुख्यमंत्री थे इन्हें सिफारिश की थी 2011 में, इस जो एक फाइनेंशियल कमेटी बनी थी उसमें और भी मुख्यमंत्री थे और इन्होंने एक प्रस्ताव दिया था कि MSP पे गारंटी कानून बनना चाहिए, वो फाइल वहां पर रखी हुई है उस पर गारंटी कानून बना दे, जब वकालत करी उस पर PhD करी उन्होंने तो नई कमेटी की जरूरत थी। प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन बिल वापस करने का ऐलान किया तो उस दिन उन्होंने एक बात भी कही थी कि हमें इस बात का खेद रहेगा कि हम कृषि में जो सुधार चाहते थे वो कहीं ना कहीं हम नहीं कर सके, हमारी कोशिश भी मान। हाँ वो लूट जो लिखित में लूट करना चाहते थे वो नहीं कर सके तो खेद उनसे मांगी व्यापारियों से, उनसे माफी मांगी उन्होंने, उनके गोदाम बनवा दिए, उनका पैसा खर्च करवा दिया, हमें लूट का सामान उस बड़ी तिजोरी में नहीं रख सके, हम अनाज उसके लिए खेत पर कट करा। आज देश का किसान सब इकट्ठा है, शायद ये ऐतिहासिक पल है जबकि सारा देश का किसान जो है पूरा देश का किसान। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि संयुक्त किसान मोर्चा या इकट्ठा जैसे भी जत्थेबंदियां हैं, सरकार की शमूलियत कम करके कोऑपरेटिव सोसाइटीज या कुछ ऐसे चीजें की जाएं जिससे कि निर्भरता जो सरकार के ऊपर किसानों की है वो कम हो जाए। देखो ऐसा कुछ प्लान बना रहे, इतने बड़े देश में ये संभव नहीं होता, इतने बड़े देश में जब तक सरकारें प्रमोट नहीं करती, जब तक सरकारों की सहूलियतें नहीं होती वो चीज संभव नहीं है, सरकारों को सपोर्ट करना। चुडूनी की तरफ से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया गया, अरे पंजाब के लोग बताऊंगे जहां इलेक्शन लड़ने की बात की तो यहां कर रहे हैं
जत्थेबंदी यहाँ के बता देंगे सरकार नई बीज नीति लाने जा रही है उसके बारे में क्या है। और ये जो आगे हमने बातचीत करी है कि ये सीड कानून लेकर आना चाहते हैं, सीड बिल, पेस्टिसाइड बिल, दूध की एक पॉलिसी, तो ये हम इस पे भारत सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, उसी के लिए हमने कमेटी की बात करी। एक पंजाब पंजाब लई असी कहना चाहते हैं भी एक महीना या 40 दिन रह गए ने वोटां दी जापता लगन लई। पंजाब सरकार ने किसानां नाल इक वड्डा वादा कीता सी करजा माफी का, असीं उह चेतावनी भी दिंदे आ 30-40 दिन दे विच विच पूर्ण करजा माफी कीती जावे। दूजिया जड़िया साड़िया हाईवे निकल रही ने उदे लई सानू मुआवजा बड़ा घट मिल रहा। अज तो 10-15 साल पहला भी सानू 70-80 लाख करोड़ रुपया मार्केट रेट से पैसे मिलते रहे, पर अज सरकार 25-30 लाख रुपया एकड़ का दे रही ने। असं यह भी चेतावनी देना आए हैं, पिछले दिन सीएम साहब ना भी मीटिंग करके असी चेतावनी दी सी भी मार्केट हिसाब के नाल ही सानू मुआवजा दिता जाए। यह दो गल् असी अज इन्हों सीएम साहब न भी कह आए हैं भी पूर्ण करजा माफी तो पूर्ण सानू मुआवजा मिलना चाहिए। टकैर साहब, जैसे आपने किसानी का मुद्दा उठाया है, ऐसे कोई और जो लोगों के देश के लोगों के या पंजाब के लोगों के कई और मुद्दे हैं, ऐसे कई कोई और लोग व्यापारी हैं जैसे, वो भी मुद्दे आप उठाते रहेंगे आने वाले समय में? और क्या काम करेगा फिर ये मुद्दे तो उठाओ नहीं, अकेला किसानी का मुद्दा है और भी मुद्दे और भी मुद्दे हैं जी, इसमें सबने सहयोग करा, जो हमको बुलाओगा संयुक्त मोर्चा वहाँ पर जाएगा। धन्यवाद।